Hello friends, welcome to learning sessions, and today in this video tutorial we will learn about the difference between the carriage inwards and carriage outwards. Basically carriage inwards and carriage outwards dono hi kya hain, dono hi expenses hain jo ki ek company ke dwara kiye jate hain. So both are expenses incurred by a company. Both are expenses which are incurred by a company, but still ये दोनों क्या है, different है. ठीक है, तो basically क्या है, जब भी आप sale purchase कर रहे हैं, जहाँ पर आप carriage दे रहे हैं, तो वहाँ पर carriage inward and carriage outward लिए जाते हैं. okay, एक charge किया जाता है अगर goods को sell करने में, तो दूसरा चार्ज किया जाता है जब हम अपने सप्लायर से गुड्स को प्रोक्योर करते हैं, उस टाइम पर चार्ज किया जाता है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि दोनों में बेसिकली मेजर डिफरेंस के क्या पॉइंट्स हैं. सो जो भी चार्जेस लगते हैं फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो भी किराया भाड़ा लगता है आपका जब आप परचेज करते हैं गुड्स को परचेज करते हैं, लाइक कंपनी ए ने अपने सप्लायर से कुछ सामान मंगवाया है, ठीक है, तो इस सामान की कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ अगर क्या लगा है आपको, फ्रेट लगा है उसको मंगवाने के लिए, किराया लगा है, तो वो भी क्या होगा आपके लिए, ए के लिए होगा वो कैरिएज इनवर्ड. आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आ रहा है सामान यानी कि इनवर्ड है, तो उसका क्या है, कैरिएज इनवर्ड है, यानी कि जब आपने गुड्स को परचेज किया है तो उसके ऊपर जो फ्रेट लग रहा है तो उसको हम कहेंगे कैरिएज इनवर्ड. ऑन द अदर हैंड अगर हम कैरिएज आउटवर्ड की बात करते हैं, तो जो चार्जेस आपके फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर लगते हैं जब आप सेल करते हैं गुड्स को, तो उसको हम कहते हैं कैरिज आउटवर्ड्स, यानी कि जो सामान बाहर जा रहा है आप सेल कर रहे हैं वो क्या है, कैरिज आउटवर्ड्स. लाइक ए पर्सन की ही बात करते हैं, ए पर्सन ने कस्टमर को कुछ सामान सोल्ड किया है, तो उसमें अगर वो कैरिज दे रहा है साथ में, तो वो कौन से एक्सपेंसिस होंगे, कैरिज आउटवर्ड्स. तो बेसिकली क्या है, दोनों हैं एक्सपेंसिस ही, दोनों ही चार्जेस हैं जो कि इनकर होते हैं किसके ऊपर, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर. जो सामान आप परचेज कर रहे हैं, आपके सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, उसके ऊपर जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन लग रही है, फ्रेट लग रहा है, वो आएगा कैरिज इनवर्ड में. एंड जब आप उसी सामान को, किसी सामान को आप क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो उस केस में अगर कंपनी, अगर बिजनेस के द्वारा बेयर किया जा रहा है फ्रेट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, देन डैट विल बी नोन एज द कैरिएज आउटवर्ड. नाउ द सेकेंड इज डेट कि जो हमारा कैरेज इनवर्ड है, डेट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, एंड जो कैरेज आउटवर्ड है डेट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट को एंड थोड़ा सा जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं. जो तो होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, डेट इज बेसिकली इंडिकेट्स द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, जो भी हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं तो उनका क्या रिजल्ट रहता है, अगर सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, तो किस तरह से कर रहे हैं उनके बारे में उनका रिजल्ट इंडिकेट करता है जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है. अदरवाइज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमने क्या एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है या क्या हमें लॉस हुआ है, ठीक है, किसी अकाउंटिंग पीरियड में. सो बेसिकली हम कह सकते हैं डेट ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये इस चीज़ को असर्टन करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, इस चीज़ को निश्चित करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है उस पीरियड के लिए. एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस, ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है असर्टन करने के लिए कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या लॉस हुआ है फॉर द पीरियड. एंड जो बैलेंस होता है ट्रेडिंग अकाउंट का वो ट्रांसफ़र किया जाता है किसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. एंड जो बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डैट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है. सो जो भी डायरेक्ट रेवेन्यू होता है या हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में. एंड जो भी हमारे ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं या एक्सपेंसेस हैं वो आती हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो दैट आर द मेजर डिफरेंसेज बिटवीन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट. सो जो कैरिज इनवर्ड है डैट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, वेयर एज जो कैरिज आउटवर्ड है वो आपकी क्या आती है, डेबिट साइड पर आती है ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो आप इस तरह से इसको भी समझ सकते हैं कि जो कैरिज इनवर्ड है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेयर एज
जो हमारे कैरेज आउटवर्ड्स हैं वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एंड डैट इज द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन दिस, डैट जो हमारे कैरेज इनवर्ड है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेयर एज जो हमारी कैरेज आउटवर्ड है दीज आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सो जो हमारा कैरेज इनवर्ड है इसको हम फ्रेट इनवर्ड्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स भी कहते हैं, एंड जो हमारा कैरेज आउटवर्ड है इसको हम फ्रेट आउटवर्ड्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स भी कहते हैं. नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट मे और मे नॉट बी कैपिटलाइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द एसेट बींग परचेज्ड, यानी कि इसको हम कैपिटल एक्सपेंस भी मान सकते हैं जो कैरेज इनवर्ड है. लाइक आपने मशीनरी सेटअप की है, कोई ए फर्म है, ए फर्म ने क्या की है, मशीनरी सेटअप की है, तो मशीनरी को अगर सेटअप करते हैं तो जो भी इसके कॉस्ट है, इनवर्ड कॉस्ट है, इसको इंस्टॉलेशन चार्जेज है, वो सभी किस में काउंट होंगे, कैपिटल में ही काउंट होंगे. ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, कैपिटल चार्जेज में ही आपके क्या होंगे, ये कन्वर्ट होंगे. सो इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी कैरेज आउटवर्ड है इसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते. ओके, एंड द अदर वन इज कि जो कैरेज इनवर्ड होती है मोस्टली इसमें जो बायर रहता है वो ही रिस्पॉन्सिबल रहता है. एज आई टोल्ड यू, ए पर्सन ने सप्लायर से सामान मंगवाया, ठीक है, तो ज़्यादातर क्या रहेगा, अगर ये बायर है, ये सेलर है, जनरल एक बात कर रहे हैं, तो मोस्टली केसेस में जो बायर है वो ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा कैरेज इनवर्ड के लिए. ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कैरेज इनवर्ड किसके द्वारा दी जाती है, सेलर के द्वारा भी दी जा सकती है. ओके, कोई नेगोशिएशन कर लिया आपने तो उसके बेस पर सेलर के द्वारा भी दी जा सकती है, बट मोस्टली जो बायर है वो ही कैरेज इनवर्ड को देता है. एंड अगर हम इसकी बात करते हैं, कैरेज आउटवर्ड की बात करते हैं, सेम इज द केस, ओके, एंड एस इज अ सेलर. अब सेलर के केस में है, जो कैरेज आउटवर्ड है वो ज़्यादातर किसके द्वारा दी जाती है, सेलर के द्वारा ही दी जाती है, बट इन सम केसेस ये बायर के द्वारा भी दी जा सकती है. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द सेशन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके. इसके अलावा अगर आप JAIIB CAIIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहाँ से आप JAIIB के लिए फ्री मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.